गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन अमेजिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, चेंज द वॉइस. लेट्स गेट स्टार्टेड. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वॉइस वेल, वी विल स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. That is, Arjun reads articles. Arjun is subject, reads verb, and articles object. Arjun subject, that is doer, जो काम करता है. That is doer, करने वाला अर्जुन. क्या काम करता है? Reads, action, that is verb. And what does he read? क्या read करता है वो? Articles, that is object. स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस. जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस टू, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हमें इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. जैसे एक्टिव वॉइस में है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. कैसे? वेरी सिंपल. सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है. सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है? हेल्पिंग फॉर्म अकॉर्डिंग टू वर्ब. कि अगर वर्ब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, सेकेंड है तो वॉज वर. देन थर्ड फॉर्म, हम हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगाते हैं. एंड देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. नाउ टेक एन एग्जाम्पल, लाइक अर्जुन रीड्स आर्टिकल्स. सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाते हैं. आर्टिकल्स, देन हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे? आर, इज एम आर होता है. प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल्स आर. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म रीड एंड देन रेड, रेड, थर्ड फॉर्म रेड. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आर, रेड थर्ड फॉर्म. देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? सब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट, दैट इज अर्जुन. अर्जुन रीड्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आर रीड बाय अर्जुन. लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जाम्पल. मोहन रिपेयर्ड माई बाइक. मोहन सब्जेक्ट, रिपेयर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन माई बाइक. ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, माई बाइक. देन हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म है तो हम यूज़ करेंगे वॉज वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, माई बाइक वॉज. देन थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, देन बाय एंड देन मोहन. जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर सेम रहेगा सब. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, मोहन रिपेयर्ड माई बाइक वॉज रिपेयर्ड बाई मोहन. और जब आपने ये स्ट्रक्चर को अच्छे से लर्न करना है, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं, लर्न करने हैं. वी हैव टू बियर इन माइंड कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है. और जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं. देन थर्ड फॉर्म एंड देन बाय. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने नेम लिया है अर्जुन एंड मोहन. पर क्या होता है कि जैसे हमारे पास आ जाता है आई वॉच टीवी. ओके, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन दिस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट टीवी. देन वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी विल यूज इज एम आर, टीवी सिंगुलर एंड द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब टीवी इज. देन थर्ड फॉर्म वॉच्ड, देन बाय एंड देन आई इज चेंज इन टू मी. जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का क्या बन जाएगा? मी. इसलिए हमारे पास जो भी सब्जेक्ट है, जब उनको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे? आई इज चेंज इन टू मी, वी इज चेंज इन टू अस, यू
that remain same, you, they, them, he, him, she, her, it. ओके स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट को जब हमने ऑब्जेक्ट में की जगह पे लाना है तो ऐसे चेंज होगा, आई मी में चेंज होगा, वी अस यू यू दे देम ही हिम शी हर एंड इट इट. इसके बाद जो मेन है, हमने हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने कैसे लगाना है, कि टेंस के अकॉर्डिंग कैसे आएगा. ओके, आपको सिर्फ इतना ही करना है, अभी इसको अच्छे से समझिए. ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज़ करना है, एंड वी विल गिव यू सम एग्जांपल्स टू सॉल्व. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.